मैंने आप सबसे आह्वान किया कि आपको योगी बनना है, कर्मयोगी बनना है और श्रेष्ठ कार्यों में सहयोगी बनना है। योग करते करते इस योग आयुर्वेद स्वदेशी और वैदिक संस्कृति के पुनर्जागरण के अभियान में इस वेद धर्म, इस सत्य धर्म की प्रतिष्ठा में निरंतरता के साथ करेंगे, लय के साथ करेंगे और करते करते मूलाधार से सहस्रार तक अपने अंतः शक्तियों का जागरण करते हुए अपने भीतर के देवत्व को, ऋषित्व को, ब्रह्मत्व को जागृत करते हुए। जीवन की यात्रा बहुत विराट है, इसमें हमें एक और जहां शरीर से बलवान बनना है, हृदय से जहां पर हमें निष्ठावान बनना है, मस्तिष्क से जहां पर प्रज्ञावान बनना है, साधनों से जहां पर हमें ऐश्वर्यवान बनना है, आचरण से जहां पर हमें चरित्रवान बनना है, सब प्रकार की कुशलताओं में जहां हमें निपुण बनना है, श्रेष्ठ प्रतिभाओं के साथ हमें प्रतिभावान बनना है, वही जीवन की जो यात्रा है वह पूर्णता की है। सभी प्रकार की अपूर्णताओं से, न्यूनताओं से, सभी प्रकार की जितने भी जीवन में खामियां हैं, कमियां हैं, न्यूनताएं हैं, अल्पताएं हैं, अधूरापन है, उन सारे दोषों, दुर्बलताओं, अपूर्णताओं से हम अक्सर अनुभव करते रहते हैं, मैं अकेला हूं, मैं अपूर्ण हूं, अधूरा हूं। और हम अपने उस भीतर के खालीपन को, भीतर के अधूरेपन को, अपने भीतर की उस न्यूनता को, अल्पता को भरने के लिए बाहर के व्यक्तियों, वस्तुओं का आलंबन लेते हैं कि ये व्यक्ति मेरी जिंदगी में आ जाएगा तो मैं पूरी हो जाऊंगी, मैं पूरा हो जाऊंगा। बाहर के व्यक्तियों से, बाहर की वस्तुओं से, बाहर के साधनों से अपने आप को पूरा करने के चक्र में, एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाते हैं कि हम जीवन भर अपने उस भीतर के खालीपन को, भीतर की उस न्यूनता को भर नहीं पाते हैं। इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा, तुम जीवन के सत्य को अनुभव करो। यह सत्य है कि बाहर की वस्तु, बाहर की व्यक्ति, बाहर के साधन, इनसे भी तुम्हें संपन्न रहना है, इनके साथ भी तुम्हारा संबंध है, लेकिन सबसे बड़ा तुम्हारा आत्म संबंध है। तुम स्वयं में पूर्ण हो और इस सारी सृष्टि स्वयं में पूर्ण है, फिर अधूरापन कैसा, फिर न्यूनता कैसी, फिर अल्पता कैसी।